हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अभिषेक ओझा आज एक नए चैप्टर के साथ एक सीरीज़ के स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये फर्स्ट सीरीज़ में क्लास इलेवेंथ का है ना, क्लास इलेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो है वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके पूरे चैप्टर जो हैं वो लेक्चर वाइज लेक्चर आपको मिलते चले जाएंगे। ये जो चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है ना। आप सोचोगे कि 5 मार्क्स का कैसे फ़ायदा होता है, नीट तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपने अगर सही करा तो कितने हो गए, आपको 4 मिले, और अगर आपने गलत करा तो 5 मार्क्स गए, है ना। तो हमें हर क्वेश्चन को 5 मार्क्स के नज़रिए से देखनी चाहिए, है ना, उसको टारगेट करना है। तो 2018 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2019 में भी है ना, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2018 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मोनोग्राफ कीज से रिलेटेड ये चीज़ें पूछे गए थे, है ना। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ईजी वे में इसको हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। तो जैसा इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, है ना, एक ऐसी दुनिया, है ना, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर क्या एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर लिविंग मतलब कि लाइफ, है ना, यानी कि जीव जगत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस यात्रा पर जाने से पहले हमें कुछ क्या करनी पड़ेगी, कुछ क्वेरी करनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि अगर देखें हम लोग कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट, हमें पता है, तो क्या कारण रहे होंगे कि इस अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल हुआ, क्या क्या ऐसे रिएक्शंस हुए, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बनी जिसके वजह से अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल हुआ, है ना। तो इस यात्रा पर जाने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कुछ इस कि आज हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ हमारा क्या है, इस तरह से है काइंड ऑफ, है ना, राउंड। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ये ऐसी शुरुआत से रही हैं। तो अगर आप इसके हिस्ट्री पे जाओगे तो काइंड ऑफ ये चीज़ें आपकी इस तरह से रही हैं, है ना, इस तरह से ये चीज़ें, मतलब कि इरेगुलर फॉर्म। तो इरेगुलर फॉर्म जो था आज रेगुलर फॉर्म में देख रहे हैं, तो क्या चीज़ें रही होंगे। तो इसको समझने के लिए आप याद कीजिए कि हमारे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें बताया गया कि आज का जो इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा तो नहीं था, आज की जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल टोटली क्या है, वो डिफरेंट है। जैसे उस समय अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हीलियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, ये सब चीज़ें मौजूद रहीं। और इन्हीं के मौजूदगी के कारण, इनके प्रेजेंस ऑफ के कारण चीज़ें क्या हुई और बदलती चली गई। अगर आप देखो तो अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट जहाँ पर आप क्या देखते हो, H2O यानी कि पानी। और हमें पता भी है कि पहले जो था हमारा अर्थ जो था वो बहुत ही हॉट हुआ करता था, बहुत ही गर्म रहता था। इसकी एविडेंस जो है वो आज के डेट में हमें कहाँ से मिलती है, वोल्केनो से मिलती है, कि जब वोल्केनो इमिट्स होते हैं तो उनके अंदर से जो लावा निकलती है उसकी टेम्परेचर जो होती है वो थाउजेंड्स में होती है। तो सोचिए कि उस समय भी हमारा अर्थ जो रहा होगा वो कितना ज़्यादा गर्म रहा होगा, है ना। तो हमारे ये H और O इन्होंने मिलके क्या बनाया, वाटर। चूँकि ये बहुत ही जल्दी आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना, तो इन्होंने क्या बनाया,
H2O। चूँकि अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म था तो ये चीज़ें क्या हो जाती थी, इवोपरेट होके चली जाती थी ऊपर, और जब इवोपरेट होके चली जाती थी तो अब है ना, तो वो वापस नीचे भी आती थी वाटर साइकिल के फॉर्म में, है ना, ये सब आप लोग पहले से भी पढ़े हुए। तो H2O के कारण जितने भी जो इरेगुलर शेप थे वहाँ पर क्या बढ़ता गया, वाटर आते चले गए, है ना। इसको इवोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर वाटर जो है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, अर्थ धीरे 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 क्या होता गया, ये चीज़ें आपके ठंडी होती चली गई, जिसमें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स समय लगा, जिसके वजह से हम लोग आज के डेट में क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रह ही रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर ये सारे सर्कमस्टांसेस कंप्लीट हुए। इवोल्यूशन में और ब्रीफ से पढ़ेंगे हम लोग, बाकी जितने भी हैं है ना, ये क्या थे आपके, दे ऑल आर इन सिंपलर फॉर्म। क्या थे ये सब, सब के सब सिंपलर फॉर्म में। किसी भी सिंपलर फॉर्म के कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उनको रिएक्शन करना होता है ना, उनको केमिकल्स इक्वेशंस के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये सिंपल चीज भी क्या हुए, वो भी कॉम्प्लेक्स बने रिएक्शंस के थ्रू। और रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, तो हमारे पास पहले से क्या था, टेम्परेचर तो था ही, और एक मीडियम की ज़रूरत थी, जो कि मीडियम क्या बना, वाटर बना, है ना। तो टेम्परेचर था, वाटर था, तो जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर्स थे वो सारे के सारे धीरे धीरे क्या होते चले गए, कॉम्प्लेक्स होते चले गए, है ना। तो ये पहले की जो कहानी है, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं एक रियलेबल स्टोरी स्टेब्लिश करती है। और इन्हीं सिंपल फॉर्म के वजह से क्या बना, हमारा सेल बना, हमारी सेल की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। क्या आप बता सकते हैं कि इट इज पॉसिबल कि वी कैन फॉर्म द सेल, क्या हम लोग सेल बना सकते हैं क्या, या हमने आज तक सेल बना, या हिस्ट्री में हमने पढ़ा कभी आज तक साइंस के हिस्ट्री में कि सेल को बनाया गया। तो सेल तो हम लोगों ने बनाया नहीं, ये चीज़ें इन प्रोसेस के कंडक्ट होते हुए चीज़ें बनती चली गई। जैसा कि एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं आपके प्लांट का, क्योंकि सबसे पहले इस धरती पर अगर किसी को देखा गया था तो वो आपका क्या था, वो प्लांट ही था, ठीक है। तो अगर हम इस प्लांट के सेल वॉल के बारे में बात करें, जो कि बना हुआ होता है किस चीज़ का, सेलुलोज का, एंड सेलुलोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है ये। अगर इसी प्लांट के हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना हुआ है किस चीज़ का, लिपिड्स का, और लिपिड्स क्या है हमारे, प्रोटीन है, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोटीन है। अब ये देखो आप कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, है ना, H2O। यहाँ भी 2:1 और यहाँ भी 2:1। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले भी थे और आज भी देखा जाता है कि इनका कंस्टिट्यूएंट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे कार्बोजिलिक एसिड, है ना, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अगर ये दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन,
तो ये चीज़ें आई कहाँ से हैं? तो ये चीज़ें भी सिंपल फॉर्म में थी, रिएक्शन किया और वो क्या बनाया, वो कॉम्प्लेक्स बनाया। इवन आप बात करो डीएनए की, अगर हम लोग डीएनए की भी बारे में बात करें तो डीएनए तो लैंग्वेज है, जैसे इसमें देखते क्या है भाई, तो पेंटोज शुगर, देखिए कार्बोहाइड्रेट का कुछ तो सीन दिख रहा है, उसके बाद है नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं या एन बेस कहते हैं, वो भी नाइट्रोजन से आया है। और जब ये आपस में बॉन्डिंग भी बनाते हैं तो ये बनाते हैं किस से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो ये जितने भी आज के डेट में जो चीज़ भी हैं वो सारे के सारे सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म से ही क्या हुए हैं, वो आए हुए हैं, है ना। तब जाकर के हम लोग आज क्या पढ़ते हैं, द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इनके बारे में अब स्टडी करना शुरू करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज के डेट में हम लोग देखते हैं तो लिविंग होने के हमारे पास पैरामीटर क्या है, है ना। सम आउट वेट, वेट आप याद करो कि बचपन में हमें लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस के बारे में बताई गई थी, है ना। तो उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि अपने पुरानी जो नॉलेज है उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग मिट्टी डालेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। मिट्टी डालने का मतलब यह है कि जो हमारे पास लेस न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर मिट्टी डाल के ख़त्म कीजिए, नए तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में लिविंग होने के कुछ पैरामीटर हैं, उस पैरामीटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका ग्रोथ। इससे कई बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, आता रहता है, है ना, नीट मेडिकल में इन सब के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ग्रोथ वृद्धि इज द पैरामीटर टू डिफाइन द लिविंग वर्ल्ड, इज इट रियली, देखते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं लिविंग और एक तरफ हम लोग लिखते हैं नॉन लिविंग। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो आपको आसानी से क्या हो जाए, आसानी से आपको समझ जाएंगे। तो हमने लिखा लिविंग और नॉन लिविंग, लेकिन इसके पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि वो हमारे पास पैरामीटर क्या है। देखो पैरामीटर अगर हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास कुछ क्या होने चाहिए, हमारे पास कुछ बेसिस होने चाहिए और उसी बेसिस पे हमें क्या करना है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लासिफाई करना है। तो पहला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। दूसरा है इंक्रीज इन साइज एंड मास, है ना, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को कि अगर हम लोग एक तरफ अपने उंगली को देखें, ये उंगली और एक हमारा मार्कर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। तो इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से क्लासिफाई जो होगा वो हम लोग करेंगे किसके ऊपर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंक्रीज इन साइज एंड मास, है ना। तो अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड को पहले अगर देखें तो लिविंग वर्ल्ड भी क्या होते हैं, वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन की मदद से ये लोग क्या करते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की तो इसको हमें क्या कर दूँ,
तोड़ दूँ, ब्रेक कर दूँ, तो भी इसके नंबर क्या होंगे, ये भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा भाई, कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी टूटते हैं तो भी उनका क्या होता है, नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो बाय द ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन से भी चीजें क्या हो रही हैं आपकी, इंक्रीज हो रही हैं। एक तरफ रिप्रोडक्शन है, दूसरे तरफ क्या हो रहा है भाई, तो दूसरे तरफ हो रहा है आपका बाय ब्रेक डाउन, इंक्रीज इन साइज एंड मास। आप अपने हर महीने वेट मेजर करो, देखो कि आपके बॉडी में भी क्या होंगे, चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो क्या है भाई, देखते हैं। तो यहां पर चीजें हो रही हैं आपके अंदर, सेल डिवीजन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकडाउन, इंक्रीज इन साइज एंड मास, सेल डिवीजन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है, सेल डिवाइड कर रहा है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में साइज एंड मास भी क्या हो रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएट होकर के बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो ये चीजें क्या हैं भाई आपकी, एक्यूमुलेशन का मतलब ये कि आपके घर में अगर किसी भी तरह का टेबल है, तो उस टेबल के ऊपर डस्ट तो आते होंगे, वो डस्ट आया एक्यूमुलेट होते 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 होते, क्योंकि हमें पता है कि इस धरती पे सबके पास क्या है, मास है। अगर वो छोटे से पार्टिकल भी आए हैं तो उनके पास भी मास है। तो मास यहां पर क्या देखोगे, बाय एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन साइज एंड मास, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, बाय ब्रेकडाउन, बाय एक्यूमुलेशन, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो आकर के सेम हो रहा है लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो लिविंग होते हैं ये क्या है भाई आपके, इरिवर्सिबल, और ये हैं आपके रिवर्सिबल। मतलब कि अगर हम छोटे से बड़े हो चुके हैं तो हम बड़े से छोटे नहीं हो सकते हैं, अगर हमारी फिंगर की लेंथ हो चुकी है तो उसको हम लोग छोटे नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। यहां पर क्या हो रही हैं चीजें, रिवर्स भी हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी ग्रोथ को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वो बात करती हैं डी ग्रोथ की, और हमें तो बात करना है किस चीज की, हमें तो ग्रोथ की बात करनी है। तो डी ग्रोथ इन दोनों है जिनका हमें डिस्कशन नहीं करना है। अगर हम बात करें लिविंग की, तो हमारे में क्या होता है, एक इंटरनल ग्रोथ होता है, और यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल, जिसको हम लोग इंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी क्या कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं। अब इंटरनल देखोगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल बायोमास है वो डिवाइड होता चला जा रहा है। तो हमारे बॉडी में क्या है, एक तरह का इंटरनल ग्रोथ है, ठीक है। अब नॉन लिविंग में देखोगे तो इनमें क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की जा रही है। तो आप कहोगे कि सर यहां तो सेम हो गया, लेकिन यहां भी सेम नहीं है, क्योंकि एनिमल में एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन तो आपको मिलेगा कि हमारे में भी क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और वो एक्सटर्नल क्या हुआ आपका, वो एक्सटर्नल हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। दो दिन मत नहाइए, आप पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, है ना, जब यहां पर डस्ट बैठेंगे।
अगर हम लोग बात करें प्लान ये नॉन लिविंग में, तो यहाँ भी क्या हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है। अब आप बोलोगे सर कि नॉन लिविंग में इंटरनल ग्रोथ किस तरह का, कैसे है, कैसे होगा? तो बरसात के समय में आप देखोगे जितने भी वुडन पार्टिकल हैं, चाहे वो डोर हो जाए चाहे वो विंडो हो जाए, उनमें स्वेलन हो जाता है ना, उनके मास बढ़ जाते हैं। यानी कि नॉन लिविंग में भी क्या हो रहा है, आपके इंटरनल ग्रोथ दिखे आसानी से जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो होगी वो हमारी लिविंग को एक डिफाइनिंग फीचर जो है वो हम लोग कतई नहीं मान सकते हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमने देखा कि हर जगह हर एक पॉइंट्स में वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेम होते चले जा रहे हैं। अगर हम लोग लिविंग की बात करें तो लिविंग में दो चीज़ जो होती है, एक प्लांट हुआ और एक हमारा एनिमल है। तो एनिमल में जो ग्रोथ हुआ वो क्या हुआ, एनिमल में ग्रोथ रुकता है और प्लांट में जो होता है वो ग्रोथ जो होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ते हैं कि किस तरह के इस तरह के, अगर लिविंग में ग्रोथ है तो उसको क्या कहेंगे, प्लांट में ग्रोथ है तो क्या कहेंगे। तो इतने इस टॉपिक से तो पता चल रहा है कि जो ग्रोथ है वो हमारे डिफाइनिंग फीचर जो है वो नहीं हो सकती। तो जब डिफाइनिंग ही नहीं है तो इस पर क्या ज़्यादा इस पर गौर करना। लेकिन देखो एनिमल का ग्रोथ या कहो आप लिविंग की, है ना, लिविंग ही करो एनिमल क्या, है ना, एक लिविंग की ग्रोथ और एक है आपके नॉन लिविंग की ग्रोथ। ग्रोथ लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं लिविंग ग्रोथ। तो लिविंग की ग्रोथ को क्या कहेंगे और नॉन लिविंग के ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे। जो भी हमारा नॉन लिविंग है उसको हम लोग कहते हैं ए क्रिएशन। दैट ग्रोथ एग्जिस्ट इन नॉन लिविंग इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द ए क्रिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ इन लिविंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं। चूंकि ए क्रिएशन का मतलब भी आप समझ रहे हो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या करना है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो वो क्रिएट किए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिविंग की ग्रोथ क्या होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके भी बताइएगा कि लिविंग की ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है। और अगर आप बता दिए तो बहुत अच्छी, अगर नहीं भी बता पाओगे तो इस लिविंग वर्ल्ड के अगले लेक्चर में मैं लिविंग ग्रोथ के टर्म के बारे में क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर लिविंग ग्रोथ के टर्म को हम लोग ये कहते हैं, है ना। तो आज आपकी क्लास 11 की लिविंग वर्ल्ड की पहली लेक्चर ख़त्म हुई। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो वीडियो को आप क्या करो, 10 लोगों में शेयर करो, ज़रूर समझ में आएगा, है ना। मतलब देखिए आप अगले इसके लेक्चर में हम लोग अलग पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग डील करते चले जाएंगे, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।